श्रीपीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महादेवे च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शांति। अष्टभुजाधारी देवी की अष्ट शक्तियों के बारे में हम बहुत सुंदर रीति से चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक शक्ति मानव जीवन के अंदर बहुमूल्य है। तो हमने कौन कौन सी शक्तियों को देखा? एक तो हमने देखा सहन शक्ति को, दूसरा फिर हमने देखा समाने की शक्ति को, तीसरा फिर हमने देखा समेटने की शक्ति को, फिर हमने देखा परखने की शक्ति को, उसके सहित फिर हमने देखा निर्णय करने की शक्ति को भी देखा, सामना करने की शक्ति को भी देखा। तो हमें लगता है कि इस आत्मा की दिव्यता वास्तव में इन शक्तियों के अंदर ही समाहित है। इसलिए हमने कहा कि अगर कोई एक शक्ति की भी अगर कमी होती है तो आत्मा के अंदर वो दिव्यता को लाना भी मुश्किल है। तो अर्थात एक एक शक्ति की वैल्यू अपने में ही बहुत मूल्यवान है, बहुत वैल्यूएबल है। तो आज फिर विशेष हम और एक शक्ति के भी बारे में जानेंगे और वो है विशेष करके पावर टू कोऑपरेट अर्थात सहयोग की शक्ति। सहयोग शब्द जैसे हमने कहा तो इस सहयोग में भी एक वर्ड है योग, योग शब्द है सह प्लस योग। तो योग अर्थात ही मिलना है। अब क्या मिलना है कि जब इस मनुष्य जीवन में या इस सोसाइटी के अंदर जब हम सभी रह रहे हैं तो हमारे स्वभाव संस्कारों का भी मिलना बहुत आवश्यक है। और सहयोग हम तभी दे सकते हैं या सहयोग हम तभी ले सकते हैं जब हमारे एक दूसरे के स्वभाव और संस्कार मिलता हो। नहीं तो सहयोग देना या हम कहें सहयोग लेना ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा या कहें हम ये हमारे लिए बहुत जटिल हो जाएगा। दूसरी तरफ से देखो हम बातों ही बातों में ये भी कहते हैं कि दुख दोगे तो दुख मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो सहयोग दोगे तो सहयोग मिलेगा, सहयोग दोगे तो सहयोग मिलेगा। तो अर्थात सबसे पहले ये जो सहयोग देने की कला किसे शुरू करना है? खुद को, खुद से ही शुरू करना है कि मुझे हर एक को सहयोग देना ही है, चाहे सामने वाला व्यक्ति उसके स्वभाव उसके संस्कार चाहे वो कैसा भी हो। दाता अर्थात दाता का मतलब ही है देना। जो देवी देवताएं होते हैं उनके अंदर देने की कला है अर्थात उनके अंदर हमेशा देने के संस्कार हैं। जो लेवता होता है जिनको हमेशा लेने की भावना रहता है उनको कभी भी देवता का टाइटल हम कभी भी दे नहीं सकते, क्योंकि हमने जान लिया कि देवी या देवता हम किसे कहेंगे? जिनके अंदर दैवी गुण हो। तो ये सहयोग देना ये भी एक बहुत बड़ी ईश्वरीय गुण कहें या हम कह सकते ये एक बहुत बड़ी दैवी गुण है, दैवी गुण है। और सहयोग ना देना ये एक आसुरी गुणों में भी जाता है। तो मुझे सबसे पहले अपने आप को खुद से ही अंदर ही मुझे तैयार कर लेना है कि चाहे सामने वाले मुझे सहयोग दे या मुझे ना दे लेकिन मुझे अपनी तरफ से हर एक को सहयोग देना ही है। जब हम अपनी माइंडसेट को ऐसा बना ले तो हम कभी भी सामने वाले व्यक्ति के
चाहे उसके कोई भी प्रकार के संस्कारों को देख करके हम कभी अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इनको सहयोग नहीं देना है, मुझे इनको ही सहयोग देना है। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न माइंडसेट से हम अपने आप को दूर रख सकेंगे। इसलिए शास्त्रों में भी हम क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण ने भी जब गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा, श्री कृष्ण को भी जब गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा तो वो भी हर एक के उंगली के आधार से इतना बड़ा पर्वत उठा सके। तो एक एक उंगली वास्तव में क्या है, अब ये अगर स्थूल रीति से देखें तो किसी की एक एक उंगली से थोड़ी कोई पर्वत उठ जाएगा, वास्तव में उसके पीछे कुछ आध्यात्मिकता है। अब ये आध्यात्मिकता क्या है कि उस गोवर्धन पर्वत को अर्थात इतने बड़े पहाड़ को उठाने के लिए एक एक उंगली की भी आवश्यकता पड़ी। इसका सही अर्थ, इसका सही भावार्थ ये है कि जब मनुष्य जीवन के अंदर कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति आती है, कोई ऐसी विकराल परिस्थिति आती है, जबकि वो इंसान अकेले में ही इतनी बड़ी परिस्थिति को उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे समय पर जब हर एक की एक एक उंगली की सहयोग आ जाए तो चाहे वो कितने भी बड़े रूप परिस्थिति हो, कितने भी बड़ी रूप की परिस्थिति रूपी वो पहाड़ भी हो, तो वो बहुत सहज ही टल जाता है। तो ये सूचक उन शास्त्रों में एक स्थूल रीति से दिखाया गया है। अब आती है कि इस सहयोग के पीछे एक बहुत सुंदर सी कहानी है और ये कहानी हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत इंस्पिरेशन देती है, बहुत हमें इंस्पायर करती है। और ये स्टोरी क्या है ऐसे कि इंद्र राजा ने दोनों अर्थात देवताओं को भी और असुरों को भी निमंत्रण दिया एक बहुत सुंदर दावत के लिए। दावत के लिए दोनों को निमंत्रण दिया गया। तो इसी बीच फिर क्या हुआ कि असुरों के अंदर चिंतन चलना शुरू हुआ कि ये इंद्र राजा की फिर से कोई चाल है हमें सबके सामने नीचा दिखाने के लिए। तब इंद्र राजा ने क्या किया कि अब असुरों ने भी ये भी सोचा कि देखना कि इस दावत में ये इंद्र राजा फिर से पहले देवी देवताओं को बिठाएंगे और बाद में हमें बिठाएंगे, तो क्या हम उन देवी देवताओं का झूठा खाएंगे। तो जो असुर थे उन्होंने कहा कि अगर इंद्र राजा ऐसा करेगा तो हम फिर ये चीज़ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इंद्र राजा ने क्या किया, सबसे पहले असुरों को दावत में भोजन करने के लिए इंद्र राजा ने पहले असुरों को बुलाया, पहले पहला निमंत्रण असुरों को दिया। तो उसमें फिर असुरों का चिंतन चला, इसमें भी इंद्र राजा का कुछ चाल होगा। अब इंद्र राजा उस दावत को खाने के लिए, उस भोजन को स्वीकार करने से पहले एक कंडीशन रखा। क्या कंडीशन रखा इंद्र राजा ने कि सभी भोजन स्वीकार तो करेंगे लेकिन कोई भी अपने हाथों को फोल्ड नहीं करेंगे, कोई भी अपने हाथों को फोल्ड नहीं करेंगे, अर्थात बिना फोल्ड किए सबको अपना अपना भोजन स्वीकार करना है। और तभी इंद्र राजा ने क्या किया कि सभी असुरों के हाथों में एक एक डंडा बांध दिया, हाथ के साथ डंडा को भी बांधा ताकि कोई छल ना कर सके। तब वो असुर ये क्या सोचे फिर कि ये भी इंद्र राजा की कोई चाल है जिसके वजह से हम इतने 56 प्रकार का व्यंजन हमारे सन्मुख रखा गया लेकिन कोई भी व्यंजन हम स्वीकार नहीं कर पाए। और उसके पश्चात फिर इंद्र राजा ने देवताओं को फिर निमंत्रण दिया कि आइए और आप भी बैठो, आप भी भोजन स्वीकार करो। तो बहुत इजीली कंडीशन वही सेम था। कंडीशन क्या था कि कोई भी हाथों को फोल्ड ना किए सबको भोजन स्वीकार करना है। तब ये देवताओं के लिए बहुत इजी हो गया, वही हाथों में डंडा लगाया गया था है ना, ताकि वो हाथों को फोल्ड ना कर सके। अब देवी देवताएं बहुत खुशी से 56 प्रकार के व्यंजन को स्वीकार करके उठे। तो अब बात आती है कि असुरों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो भोजन को स्वीकार नहीं कर पाए, वही कंडीशन सेम था, और जबकि देवताओं के पास भी कंडीशन सेम था, लेकिन वो बहुत सुंदर रीति से, बहुत प्यार से, बहुत खुशी से
56 प्रकार के व्यंजन को बहुत आनंद पूर्वक स्वीकार करके उठे। तो बात आती है यहाँ पर अपने स्वभाव और संस्कारों की। असुर है तो उनके अंदर वो आसुरी लक्षण थे, अर्थात उनके अंदर वो स्वभाव संस्कार भी मिलते नहीं थे। इसलिए 56 प्रकार का व्यंजन होते हुए भी कोई एक भी व्यंजन को वो असुर स्वीकार नहीं कर पाए। अब देवी देवताएं जिनके अंदर दैवी लक्षण है, अर्थात उनके आपस में वो स्वभाव संस्कार मिलने के कारण वो बहुत इजीली उस व्यंजन को स्वीकार कर लिए, भोजन को स्वीकार कर लिए। और किस रीति से ये देवताएं स्वीकार किए, जबकि इंद्र राजा ने कंडीशन ये रखा कि कोई भी हाथ को फोल्ड बिना किए भोजन को स्वीकार करना है। तब ये देवी देवताएं क्या किए कि एक दूसरे के सामने वो बैठ गए और एक दूसरे को वह खिलाना शुरू किए, जिसमें ना हाथ को फोल्ड करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, इसलिए बहुत प्यार से भोजन करके उठ गए। तो कहने का भावार्थ ये है, जबकि हम कोई एक ग्रुप में रह रहे हैं, चाहे हम परिवार में रह रहे हो, चाहे हम ऑफिस में हो जहाँ पर 100-200 लोगों के साथ हमें काम करना पड़ रहा हो, चाहे परिवार के अंदर 6-7 व्यक्ति हो, और हमें ये भी पता कि हर एक आत्मा का स्वभाव, हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग है। किसी का भी संस्कार किसी के साथ मिलने वाला नहीं है। अगर मुझ आत्मा का संस्कार अलग है तो मेरे सामने जितने भी हैं ये सभी एक एक आत्माएं हैं, सोल्स हैं, और सभी आत्माओं के स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम बुद्धि में हम सभी अपने अंदर ये डाल दें कि हम एक दैवी शक्ति हैं, है ना, एक दैवी शक्ति है हमारे अंदर, वो डिविनिटी है हमारे अंदर, वो दिव्यता है, अगर हम सभी इस प्रकार के सोच को लेकर के चलें तो सबकी सोच एक हो जाएगी और वहाँ का वातावरण भी तुरंत ही परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात हमारा सबके साथ स्वभाव संस्कार मिला करके चलना भी इजी हो जाएगा, ये एक प्रकार से। दूसरा है कि कई बार ऐसे भी होता है कि खुद के स्वभाव संस्कार हमें लगता है कि ठीक है, बट सामने वाले के स्वभाव संस्कार कई बार हमें लगता है कि कठोर है, बहुत रियूड है इनके स्वभाव संस्कार, ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत लोभी है, ये बहुत ईर्ष्यालु है। तो ऐसी जगह पर भी हमें क्या करना है, मुझे अपने स्वभाव संस्कार के साथ उनको लेकर के भी चलना पड़ेगा। क्योंकि बात ऐसा नहीं है कि सामने वाले का जो स्वभाव है मैं भी उनको देख करके अपने स्वभाव को मैं भी छोड़ दूं, या मैं उनके स्वभाव को रिसीव करूं और मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूं। तो अगर हम ऐसे करते हैं, चाहे हम कोई भी स्थान पर रहे, तो कोई भी स्थान पर हम किसी के साथ अपने संस्कारों को मिला करके चलना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भले सामने वाले का स्वभाव संस्कार कैसा भी हो, चाहे कितना भी कठोर हो, चाहे कितना भी सेंसिटिव हो, लेकिन मुझे अपने आप को उनके स्वभाव संस्कार से थोड़ा सा डिटैच होकर के अपने आप को रख कर के चलने में ही भलाई है। और यही है सहयोग लेना और सहयोग देना। क्योंकि हम स्टडी के समय पर भी हमने एक नियम पढ़ा है जिसको न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहा गया है कि ईच एंड एवरी एक्शन इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अर्थात जिसको हमने कहा कि आप देते समय जो दे रहे हो रिटर्न में आपको वही चीज़ मिलेगा। अगर आपने किसी को सुख दिया होगा तो आपको जैसे भी करके सुख मिलेगा, अगर आपने किसी को दुख दिया होगा तो जैसे भी करके आपको दुख मिला होगा, अगर आपने किसी को सहयोग दिया होगा तो आपको आज नहीं तो कल आपको भी सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अपने स्वभाव और अपने संस्कारों को हर एक के साथ, हर एक को हर एक के साथ मिला करके चलना बहुत आवश्यकता है, और यही सहयोग की शक्ति है। और इसी सहयोग की शक्ति का जो स्वरूप है, इसकी जो प्रतीक है, आज माँ लक्ष्मी के रूप में इसको पूजा जा रहा है। माँ लक्ष्मी को हमने किस रूप से देखा है,
माँ लक्ष्मी को आप देखिएगा चार भुजा, जिसमें विशेष करके माँ लक्ष्मी लोटस फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है, दोनों हाथों में भी लोटस है माँ लक्ष्मी के, और एक हाथ जैसे कि ब्लेसिंग हैंड है तो दूसरे हाथ में कैसा है, ऐसे देने वाला पोस्चर है। अच्छा, अब लोटस फ्लावर में ऐसे कोई बैठने वाले तो देवी नहीं है स्थूल रूप में, लेकिन दिखाया है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर की विशेषता क्या है आप देखो, जिसकी सूचक ये बताया जाता है कि लोटस फ्लावर रहता वो कीचड़ में है, लेकिन वो कीचड़ से डिटैच होकर के रहता है, पूरे कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से वो संपूर्ण रीति से डिटैच होकर के रहता है। तो परमात्मा ने भी हमें ये ज्ञान दिया कि हमें रहना सबके साथ है, अलग अलग स्वभाव अलग अलग संस्कारों वाली आत्माओं के साथ व्यक्ति के साथ हमें रहना है, लेकिन हमें उनके स्वभाव और उनके संस्कारों से थोड़ा सा डिटैच होकर के रहना है, तभी हम न्यारा और तभी हम सबके प्यारे होकर के रह सकेंगे। आप देखिएगा कई व्यक्ति बहुत सारी मैटर्स आते हैं, बहुत सारी परिस्थिति आती है, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी बातें भी सुनने के लिए मिलती है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो उन परिस्थितियों के अंदर नहीं जाते हैं, या कई अंदर जाते भी हैं लेकिन उस परिस्थिति से वो डिटैच होकर के रहते हैं, तब भी वो रिलैक्स होकर के रह पाते, तब भी वो लाइट होकर के रह पाते हैं। तो यही ज्ञान परमात्मा भी हमें देते हैं कि हमें हर परिस्थिति हर चुनौती के साथ रहना है, लेकिन हमें थोड़ा सा डिटैच होकर के भी रहना है, तभी हम लाइट होकर के रह सकते हैं, बहुत हल्के होकर के रह सकते हैं। दूसरा, माँ लक्ष्मी के हाथ में क्या दिखाया गया है, देने का पोस्चर है, माँ लक्ष्मी का देने का, और माँ लक्ष्मी का हाथों से क्या निकल रहा है, गोल्डन जो स्वर्ण मुद्राएं निकल रहा है। अब स्वर्ण मुद्राएं किसी के हाथ से ऐसे तो निकल नहीं सकता है, अब ये स्वर्ण मुद्रा क्या है, ये गोल्डन रुपीज़ जो है ये क्या है कि ये है वास्तव में ज्ञान, ज्ञान का अमृत इसको कहा गया है, जो आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से अपने आप को भरपूर करता हुआ जाता है तो उस आत्मा के अंदर भी एक दातापन का संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाता है। वो सामने वाले को नहीं देखता है कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, अर्थात उसके अंदर कोई लेवतापन वाला संस्कार नज़र में नहीं आता, उसके मन उसकी बुद्धि में हमेशा रहता है कि मुझे देना है देना है देना है, मुझे अपने बोल के आधार से देना है, मुझे अपनी सूक्ष्म मनसा के आधार से मुझे देना है, मुझे अपने कर्मों के आधार से देना है, मुझे अपने गुणों के आधार से मुझे देना है। और दूसरे हाथ दिखाया गया है ब्लेसिंग के हाथ, अर्थात दुआओं से भरा हाथ, सबको दुआएं देने वाली हाथ। ये भी बात आती है कि जब एक आत्मा सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर करती जाती है तो उसके मन उसकी बुद्धि उसके कर्म उसके बोल चारों तरफ से सामने वालों के प्रति हमेशा एक दुआओं देने वाली वो फीलिंग्स अपने आप इमर्ज होना शुरू हो जाता है, और यही है माँ लक्ष्मी की स्वरूप, जिसको आज हम पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो आज से नेक्स्ट कुछ समय तक हम अपने आप को भी यही सोचें कि मैं शक्ति, मैं माँ लक्ष्मी हूँ और मेरे अंदर सिर्फ देने का संस्कार है, मुझे सबको देना है। बोल से मुझे इतने सुंदर इतने मीठे बोल बोलने हैं कि जब सामने वाले कोई सुने तो उनका दिल खुश हो जाए, उनका मन हल्का हो जाए। सूक्ष्म रीति से मुझे हर एक के प्रति मुझे शुभ भावना और शुभ कामना भी मुझे रखना है, हर एक को मुझे देना है गुड विशेस, चाहे वो आत्मा कैसी भी हो। और यही आज हम नवरात्रि के दिन पर हर एक से यही शुभकामना रखते हैं कि इस शक्ति को अपने अंदर हम सभी बनाए रखें। ओम शांति।